ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिहार चलेगा, दिल्ली चलेगा, असम चलेगा, इस तरीके का बयान एक मुख्यमंत्री नहीं। देखिए, कोलकाता के मामले में जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक संवेदनहीनता दिखाई है इस मामले में, और वो लड़ाई सिर्फ दरिंदों को सजा दिलाने के लिए और इस घटना पर दुख व्यक्त करने के लिए नहीं है, ये सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और ममता दीदी की सरकार को हटाने का प्रयास वहाँ किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। तो ममता दीदी का आक्रोश दिखा है, जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दी है, तो इससे बीजेपी वाले ये न समझें कि अगर वो केंद्र में सत्ता में हैं और राज्यों में सत्ता में हैं, कई राज्यों में, तो वो विपक्ष की सरकारों को जहाँ तहाँ वह परेशान करेंगे। ये अमर्यादित व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, ये बीजेपी वहाँ तांडव कर रही है कोलकाता में, क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बंद कराती है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हंगामा करती है? उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। मणिपुर पर क्यों चुप थी? न, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ इस तरह की घटना होती है, वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ नहीं रहती है बीजेपी की सरकार, वहाँ जा कर के सत्ता हथियाने का प्रयास करती है बीजेपी। ये सब नहीं चलेगा। ममता दीदी ने सांकेतिक एक चेतावनी दी है, अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। हिंसा भड़काना कहां से? हिंसा भड़काने की तो बात ही नहीं की गई है। हिंसा की राजनीति, उन्माद की राजनीति, दंगा फसाद की राजनीति, सियासत ये बीजेपी वाले करते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग, ममता दीदी तो मातृत्व शक्ति की प्रतीक है, लेकिन अगर ममता दीदी को कोई छेड़ेगा तो ममता दीदी चुप नहीं बैठेंगी। बिहार चलेगा तो आप लोग साथ, बिहार को जलाने का बात ममता दीदी हम लोग नहीं करते, ये जलाने का, काटने का, क्या कहा योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे, काटने की बात भाषा किसकी है? भाषा की मर्यादा, उन्मादी भाषा, फसाद दंगा की भाषा, ये बीजेपी के बोल हैं। ये ममता दीदी ये नहीं चाहती है। हम लोग तो गांधी जी के अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो अपील करते हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बीजेपी सियासत में हिंसा भड़काने का काम करती है जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और शांति से अपील करने के सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग ऐसे घटना पर सब लोग एकजुट होइए और उन दरिंदों को फांसी दीजिए, सजा दीजिए, लेकिन बीजेपी की मंशा में खोट है। ये बलात्कार वर्सेस बलात्कार करना चाहते हैं, ये उसकी सरकार, इसकी सरकार, अरे बीजेपी की सरकार में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ घटना घटी है, इस पर क्यों बीजेपी मौन होती है, चुप हो जाती है? लेकिन इस तरीके का बयान को कैसे देखते? नहीं, ममता दीदी ने कोई ऐसी बयान, उनका पूरा राजनीतिक इतिहास रहा है, कभी ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी के लोग इस तरह के साजिश और षड्यंत्र में लगे हुए हैं, वो उनका मंसूबा में, अपने मंसूबे में बीजेपी कामयाब नहीं होगी। बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्जिकल कॉलेज की घटना को लेकर कहा कि ये घटना काफी भयभीत कर देने वाली घटना है, झंझोर देने वाली घटना, और ये चिंता का विषय है कि महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। नहीं, निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो चिंता व्यक्त की है, आज देश की 140 करोड़ जनता भी ये चिंता कर रही है। हम अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं दे सकते, तो इसके लिए कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा और ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना होगा, तभी हम महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं वो जमीन पर चरितार्थ होगा। इसलिए बीजेपी इस तरह की घटनाओं पर सियासत करती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगले हफ्ता हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे जहां पर बलात्कारियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर एक विधेयक पास करें। निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है। ममता दीदी खुद महिला हैं, उस पीड़ा को, उस दर्द को वो जानती हैं, समझती हैं, और ममता दीदी ने ये पहल की है, इसकी सराहना होनी चाहिए।
कि उन्होंने इस तरह के कानून, तो हम कहते हैं कि बनने चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को चिन्हित करके जल्द से जल्द उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले में देखा जाता है कि 25 बरस 30 बरस हो जाते हैं और वो दरिंदा बच निकलता है। ऐसे लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए जो इस तरह के कुकृत्य में संलिप्त हों। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ दिया और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, ये तो होना ही था, उनका जो कदम था वो इस ओर जा रहा था, ये पहले से पता था। वो बीजेपी के जाल में चंपाई बाबू फंस गए, अब वहाँ चैन से कितने दिन रहेंगे ये देखना है। जा तो रहे हैं, जाते हो तो जाओ, पर इतना सुन लीजिए चंपाई बाबू कि फिर आपको वापस अपने घर ही लौटना है। वहाँ आपको अभी तो तवज्जो दी जा रही है लेकिन बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा। वहाँ सरकार हेमंत सोरेन जी की ही बनेगी, चंपाई सोरेन जी के जाने से बीजेपी के अंदर ही भगदड़ मचेगी। असम को धमकी देने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि आप ये टिप्पणी कैसे दे सकते हैं, असम को जलाओ टिप्पणी कैसे बोल सकते हैं? नहीं, किसने धमकी दी है? ममता बनर्जी ने। ममता दीदी के शब्दों को, उनकी भाषा को, उनकी बातों को गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये बीजेपी वाले यही करते हैं, विपक्ष की हर बात को वो गलत नज़रिए से दिखाने का प्रयास और बताने का प्रयास करते हैं। ममता दीदी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करने वाली नेता के रूप में जानी जाती हैं, और ममता दीदी धमकी वाली सियासत नहीं करते, धमकी वाली सियासत ये भाजपा ही करते। इसलिए ये उपदेश कम से कम ना दें असम के माननीय मुख्यमंत्री जी।